नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित ये सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डील करने वाले हैं इस विषय पर आधारित, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे और पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से अगर कोई प्रश्न बनेगा या अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरीके का पूछा जा सकता है। दूसरा जो टॉपिक होगा वह आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास पर आधारित होगा और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे राष्ट्रीय आय के एमसीक्यू को देखते हुए, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम चलते हैं और सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन में जो है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। जो आपसे अपेक्षा की जा रही है वह यह की जा रही है कि जो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों की सत्यता जांचनी है और फिर उसके बाद सही उत्तर चुनना है दिए गए ऑप्शन में से। पहला कथन कहता है अर्थशास्त्र का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। देखिए ये कथन बहुत ही इजी लग रहा होगा, वीडियो की शुरुआत है, इस विषय की शुरुआत है, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेकर मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरा कथन कहता है कि एक शब्द के रूप में इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है। कौन से भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से आया है, ये दूसरा कथन कहता है। तो चलिए पहले कथन पर हम बाद में जाएंगे, पहले दूसरे कथन पर हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है कि नहीं आया है ये हम जांच लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक शब्द, इकोनॉमिक शब्द यह एक ग्रीक भाषा के शब्द से आया है और वह शब्द क्या है? ओइकोस नोमोस। क्लियर, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है और अगर हम इस शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ दें, इसका समास विग्रह कह दें, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ओइकोस और नोमोस। क्लियर है। अब ओइकोस का मतलब होता है इंग्लिश में हाउसहोल्ड, क्लियर, और नोमोस का मतलब होता है इंग्लिश में मैनेजमेंट। क्लियर है। अगर आप अब इस इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में बदल दें तो हाउसहोल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? गृह, और मैनेजमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रबंधन, ठीक है। और जब आप अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हैं तब आप यही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, अर्थव्यवस्था शब्द का मतलब क्या है। तो किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के धन एवं संपत्ति का इस प्रकार से प्रबंधन करना जिससे मानव जाति को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके सतत तौर पर, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंधन किया जाएगा या फिर अर्थव्यवस्था या गृह का प्रबंधन किया जाएगा। तो बिल्कुल ये दूसरा कथन एकदम सही है कि इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है और वह शब्द क्या है? ओइकोस नोमोस, या फिर आप इंग्लिश में इसे देख सकते हैं कि हाउसहोल्ड के मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये दूसरा कथन बिल्कुल ही क्या है? सही है। लेकिन जब पहले कथन पर हम चलते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र का जनक कहलाता है एडम स्मिथ, ठीक। अब हालांकि ये एफटीआर सीरीज है लेकिन मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लूंगा, कमेंट सेक्शन में आप उसका उत्तर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं आप पर, कि एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। और एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है, उस किताब का नाम क्या, उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। ये सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन पर मुझे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल दो। सत्य चुनना था तो सत्य कौन सा है? तो केवल दूसरा कथन ही सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार पर आधारित यह प्रश्न है। एक तरफ कॉलम में आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार दिए गए हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ इन अर्थव्यवस्था के प्रकारों की जो विशेषता होती है उन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है।
पहला कहा गया है हस्तक्षेप की नीति, मांग आपूर्ति जैसे तत्व अनुपस्थित, और तीसरा है प्रशासित मूल्य पद्धति या फिर एडमिनिस्टर्ड प्राइस पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है ये से प्रशासित मूल्य पद्धति का, कि बहुत सारे प्रोडक्ट, खासकर ऐसे उत्पाद, ऐसे गुड्स जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी कीमत का निर्धारण सरकार करती है, या फिर कीमत का निर्धारण जब भी होता है तो उसमें सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप होता है, कोई रोल होता है। इसलिए कहा जाता है एडमिनिस्टर्ड प्राइस, जो प्राइसिंग हो रही है उसको एडमिनिस्टर्ड किया गया है, उसका प्रशासन किया गया है। क्लियर है? चलिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर चुनने से पहले, इस मैच द फॉलोइंग में मैच करने से पहले हम इस इमेज पर चले जाते हैं, ताकि जल्दी से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो इस इमेज में आप अर्थव्यवस्था के प्रकार देख रहे होंगे नियंत्रण के आधार पर। सबसे पहले आपको दिख रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी तरफ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और तीसरी तरफ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कुछ विशेषताएं यहां पर दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है अहस्तक्षेप की नीति या फिर लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है लेट डू, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल पर चल रही होती है, जो भी कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पर सरकार के द्वारा हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, या फिर आप मानकर चले कि एकदम ही कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि वहां पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति होती है, इंटरफेरेंस नहीं होता, प्रतियोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन कंपटीशन पर ज्यादा फोकस होता है, डिमांड एंड सप्लाई पर ज्यादा बेस्ड होता है। देखिए, इस तरीके की इकोनॉमी में उस उत्पाद का उत्पादन होगा जिसका मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उस उत्पाद का सप्लाई होगा जिसका डिमांड ज्यादा है, उस उत्पाद की कीमत ज्यादा होगी जिसका डिमांड ज्यादा है। उत्पाद की कीमत पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा, उत्पादन की मात्रा पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिसके पास पैसा है वह निवेश करेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा, और बाजार में जो मांग बनी हुई है उस मांग को पूर्ण करने के लिए उस उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति भी करेगा। ये इस तरीके का मॉडल होता है किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसके कई सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं, कई सारे नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन बृहद तौर पर नकारात्मक पक्ष थोड़े से ज्यादा भारी देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल पर जब भी कोई इकोनॉमी चलेगी तो वहां पर नुकसान ही नुकसान होगा। डिपेंड करता है कि इस मॉडल को किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। अगर अच्छे से अप्लाई किया जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे फॉलो किया जाएगा, तब ये बहुत ही बढ़िया होगा। अगर थोड़ी सी भी इसमें लालच दिख गई, लालच का उद्देश्य आ गया इसमें, तब तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो यहां पर क्या मामला होता है कि यहां पर सरकार के हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होते हैं। किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन कितना होगा, जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादित उत्पाद हैं, उनकी कीमत क्या होगी, उन सब चीज में हस्तक्षेप होता है, उन सब चीज के निर्धारण में हस्तक्षेप होता है सरकार का। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था मॉडल ऑफ इकोनॉमी में यह माना जाता है कि गवर्नमेंट समाज कल्याण करने की जिम्मेदारी लेती है, और ये समाज कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप करती है, चाहे वस्तुओं का उत्पादन हो, चाहे उनके कीमत का निर्धारण हो। क्लियर है? बाजार की शक्तियां, मांग आपूर्ति प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। ध्यान रखिएगा, आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में एक समय फैला हुआ था, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कुछ नकारात्मक परिदृश्य हमने देखा, जिसे आप ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं, और उसके बाद ये महसूस किया गया कि सरकार के हस्तक्षेप होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद बड़े स्तर पर हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को फैले हुए देखा पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर।
लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी अपने एक नकारात्मक पहलू निकलकर चले आए। और बाद में यह महसूस किया गया बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से और ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से लाभदायक होगा। हमें कुछ इस प्रकार का मॉडल बनाना होगा जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू को रखकर, समाजवादी मॉडल के कुछ सकारात्मक पहलू को रखकर हमें एक नया मॉडल बनाना होगा जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। अब इसके विशेषताओं पर नजर डालते हैं। राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व तो होगा। क्लियर है? कहने का तात्पर्य क्या होगा कि सरकारी कंपनियां भी काम करेंगी जैसे कि BSNL और निजी कंपनियां भी काम करेंगी जैसे कि जियो। किस लिए? तो लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ मौजूद रहेंगे। प्रशासित मूल्य पद्धति जरूर रहेगी, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म रहेगी, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी यहां पर रहेगी। अब भारत अभी वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस मॉडल की इकोनॉमी है, तो वह है मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित होते हुए दिख रही है, जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जहां जिससे देश में उत्पादन भी हो रहा है, देश में वृद्धि भी हो रही है और समाज में कल्याण भी हो रहा है। तो इन तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्था के मॉडल को समझने के बाद अब हम एक प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, अहस्तक्षेप की नीति दिखेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर मांग एवं आपूर्ति जैसे तत्व अनुपस्थित दिखेंगे और मिश्रित में हमें प्रशासित मूल्य पद्धति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ए का वन, बी का टू और सी का थ्री बन जाता है मैच द फॉलोइंग में, और सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्माण एवं विनिर्माण सम्मिलित है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपको इजी लग रहा हो वो सबके लिए इजी हो, और जरूरी नहीं जो आपके लिए टफ हो वो सबके लिए टफ हो, इसलिए समानता बनाकर रखेंगे। चलिए, तो निर्माण एवं विनिर्माण सम्मिलित है, इस इमेज पर चले जाते हैं। तो इस इमेज में आपको तीन क्षेत्र दिख रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? तो फसलों का उत्पादन होगा, पशुपालन होगा, मत्स्य पालन होगा। वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बनता है, खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बनता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या है? तो विनिर्माण, निर्माण, जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति, यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? सामान्य तौर पर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कह दिया जाता है, लेकिन जब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाएगा, उस समय कृषि क्षेत्र जब कहा जा रहा है तो खनन एवं उत्खनन उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सामान्य तौर से द्वितीयक क्षेत्र को इंडस्ट्रियल सेक्टर कह दिया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब औद्योगिक क्षेत्र कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र को, तब खनन एवं उत्खनन औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में अभी आपको देखने को मिल रहा है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे कि ये मैं क्या बात बोला हूं। एक काम करेंगे, अब इसे बार बार सुन लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र में आपको दिखेगा सर्विस सेक्टर पूरा दिखेगा, पूरा सेवा क्षेत्र, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल इस्टेट एंड ओनरशिप ऑफ कॉमर्शियल हाउसिंग एंड सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंसेस एंड अदर सर्विसेज। तो सेवा क्षेत्र हमें तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो किस किस क्षेत्र में क्या क्या आता है या कौन कौन सा किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आधारित है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। क्या क्या कहता है ये दोनों कथन? आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक, ध्यान रखिएगा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक वृद्धि से है।
दूसरा कथन क्या कहता है कि आर्थिक विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में गुणात्मक वृद्धि से है। दो डिफरेंसेस दिखे इन दोनों स्टेटमेंट में, एक तरफ है मात्रात्मक वृद्धि और दूसरे तरफ है गुणात्मक वृद्धि। आर्थिक विकास को कहा जा रहा है कि ये क्या दर्शाता है, गुणात्मक वृद्धि, और आर्थिक समृद्धि को बोला जा रहा है कि ये मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। क्यों ना इन दोनों पर आधारित कुछ हम जानकारी देख लें और उसके बाद सही उत्तर की खोज करेंगे कि क्या दोनों ही कथन सही है कि नहीं। देखिए, जब इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि की बात की जाती है तो इसका अभिप्राय देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ज्ञात की जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये कहा जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस समय आप किसके ग्रोथ की बात करेंगे, जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे। क्लियर है? जीडीपी मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो आप कहेंगे मान लेते हैं 20% ग्रोथ हुआ और पिछले साल अगर 100 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ था, इसका तात्पर्य इस वर्ष 120 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अर्थात पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष 20 रुपए के अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। तो मात्रात्मक वृद्धि है, ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। मात्रा यहां पर दर्शाई जा रही है आर्थिक वृद्धि में। क्लियर है? माप या आकारक क्या होंगे? आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी भी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात, उत्तरोत्तर में वृद्धि से है। यहां पर आ जाते हैं आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में आय, बचत एवं निवेश में परिवर्तनों के साथ साथ एक देश में सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक विकास में सिर्फ जीडीपी की वृद्धि दर ही नहीं देखी जाएगी, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने लोगों के घरों में शौचालय पहुंच गए हैं। क्लियर है? या फिर स्वास्थ्य की स्थिति कितनी बढ़ चुकी है, अस्पताल कितने बन गए हैं, शिक्षा की स्थिति कितनी बदल चुकी है, साक्षरता दर कितना बढ़ चुका है, कितने घरों तक बिजली पहुंच गई है, कितने लोगों के पास घर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीडीपी के साथ साथ में आर्थिक विकास ये भी बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले लोग, उन लोगों के जीवन के स्तर पर क्या परिवर्तन आया है। अगर परिवर्तन काफी अच्छा आया है, जीवन का जो स्तर है वो काफी बेहतर हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है कि आर्थिक विकास भी हुआ है। एक तरफ यहाँ पर आर्थिक समृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर जीवन के स्तर को भी दर्शाया जा रहा है किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों। क्लियर है? तो बिल्कुल आर्थिक विकास गुणात्मक परिदृश्य को दर्शाता है और ये मात्रात्मक परिदृश्य को दर्शाता है। इसीलिए जब आर्थिक समृद्धि का मापन किया जाता है तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक कारकों जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। लेकिन आर्थिक विकास अगर देखना है तो गुणात्मक माप जैसे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इन सारे चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। और दोनों ही कथन अगर सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सत्य है। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पर पहुंचते हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास की बात आ गई और हमें ये समझ में आ गया कि आर्थिक विकास अगर मापना है तो उसके लिए कुछ अलग अलग संकेतक होंगे, कुछ सूचकांक होंगे। जैसे सबसे पहले तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर विश्व खुशहाली रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, जिसे आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी कहते हैं। अब यहां पर दिया गया है कि इस सारे रिपोर्ट के जारीकर्ता संस्था कौन कौन से हैं। ठीक है? तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट पर प्रश्न कैसा आता है, एक तो ये जारी कौन सा संस्था करता है इस रिपोर्ट को, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ 2019 में भारत का क्या रैंक था ये पूछा जा सकता है, और अगर 2020 में ये रिपोर्ट आ चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, तो उस पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
साथ ही साथ इन संकेतकों में और कौन कौन से संकेतक शामिल होते हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो एक तो होता है स्वास्थ्य, एक होता है जीवन का स्तर और एक हो जाता है शिक्षा का स्तर। तो पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से संकेतक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे संकेतकों को आपको पढ़ना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 ये सही कॉम्बिनेशन बन जाता है और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर भी बन जाता है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका उत्तर है 48। क्लियर है। चलिए अब हम राष्ट्रीय आय पर आधारित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं राष्ट्रीय आय पर आधारित। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से होने वाले निवल आय, और दूसरा कथन कहता है कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ यहाँ पर इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय जब हम कहते हैं, नेशनल इनकम जब हम कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है अप्रत्यक्ष तौर से नागरिकों की आय, क्योंकि राष्ट्र अगर कहा गया है तो राष्ट्र अप्रत्यक्ष तौर से नागरिकों की आय को ही दर्शा रहा है राष्ट्रीय आय, ठीक है। और इस राशि देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, ये आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इतना तो जरूर बात की जा सकती है जो बेसिक कंसेप्ट है इस टॉपिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय अब आप ये समझ लें नागरिकों की आय से संबंधित बात होती है। अब इस राष्ट्रीय आय को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं, जैसे कि एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी और एक होता है पर कैपिटा इनकम, एक एनडीपी भी होता है, बट जीडीपी समझ लिए तो एनडीपी भी आप समझ ही जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में जो मनी वैल्यू हमें दिखता है ये मनी वैल्यू नागरिकों का नहीं बल्कि निवासियों का मनी वैल्यू दिखता है, या फिर आप ये समझिए निवासियों की आय का मौद्रिक मूल्य जीडीपी के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन हमें राष्ट्रीय आय पढ़ना है अर्थात नागरिकों की आय जानना है, तो हम क्या करते हैं कि जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाते हैं अर्थात निवासियों की आय से नागरिकों की आय तक जाते हैं। और ये किस प्रकार से जाएंगे, तो देखिए जब जीडीपी के मौद्रिक मूल्य में हम उन लोगों को हटा दें या उनकी आय हटा दें जो भारत देश के नागरिक नहीं है लेकिन भारत के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उत्पादन करते हैं, इस वजह से भारत की जीडीपी के हिस्से बने हैं, उनको आप क्या करें हटा दें और उनको जोड़ दें जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन विदेशों में रहकर कार्य करते हैं और इस वजह से भारत के जीडीपी का हिस्सा नहीं बनते, तब हमें जीएनपी मिल जाता है। अब जीएनपी और जीडीपी के बीच जो इक्वेशन बैठाया जाता है वो ये बनता है कि जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसे ही कह दिया जाता है विदेशों से होने वाली निवल आय। क्लियर है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण में ये हमें नेगेटिव मिलता है और इस वजह से भारत देश की जो जीएनपी होती है वो भारत देश की जीडीपी से अधिक होती है। क्लियर है। ये नेगेटिव क्यों मिलता है, क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, एक आयातक राष्ट्र है, तो भारत में आयात की वजह से जितने पैसे चले जाते हैं, भारत से जितने पैसे चले जाते हैं आयात की वजह से, उसकी तुलना में निर्यात से कम पैसे आते हैं, तो आने वाला जो पैसा है या रुपया है या जो मौद्रिक मूल्य है वो कम है और जाने वाला ज्यादा है, तो जाने वाला नेगेटिव जो फैक्टर है वो ज्यादा है, इस वजह से हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो नेगेटिव में आता है। और भी फैक्टर होते हैं बट ट्रेड या व्यापार या आयात निर्यात प्रमुख कारक होता है इस रिलेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला कथन तो हमें सही दिखता है। दूसरा कथन कहता है कि कारक लागत पर जीएनपी,
राष्ट्रीय आय कहलाती है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जीएनपी नागरिकों की आय को तो दर्शाता है, लेकिन जीएनपी से भी ज्यादा शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, क्योंकि जीएनपी से जब हम डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं तब हमें एनएनपी प्राप्त होता है। और इस एनएनपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं या फिर कारक लागत पर निकालते हैं तब इसे राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम कहा जाता है और इसे कैपिटल एन आई से डिनोट किया जाता है। तो जीडीपी निवासियों की आय को दर्शाता है, जीएनपी नागरिकों की आय को दर्शाता है, एनएनपी राष्ट्रीय आय का शब्द शुद्ध रूप होता है, और प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धि का सबसे बेहतर सूचक होता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। अगर यहां पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता तो यह कथन भी क्या होता, सही होता। तो इस वजह से सत्य कथन क्या है, पहला, केवल एक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय आय पर आधारित दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। वास्तविक जीडीपी की गणना वस्तु और सेवाओं के स्थिर मूल्य पर किया जाता है और नाम मात्र जीडीपी की गणना का आकलन प्रचलित मूल्य पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह क्वेश्चन किस पर आधारित है, स्थिर मूल्य या स्थिर भाव वाले कंसेप्ट पर, और प्रचलित मूल्य या प्रचलित भाव वाले कंसेप्ट पर, और ये दोनों ही कंसेप्ट किस लिए आया है? तो ये दोनों ही कंसेप्ट मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन के प्रभाव की वजह से आया है। ये अगर इसके पूरे कंसेप्ट पर चलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि अगर आपको ये चीज समझनी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर जो प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा उसमें एक वीडियो है जहां पर स्थिर मूल्य और प्रचलित स्थिर भाव और प्रचलित भाव को समझाया गया है। स्थिर मूल्य की जब हम बात करते हैं तो स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी निकाला जाता है, जो मौद्रिक मूल्य आता है, उसमें इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति के प्रभाव को नहीं रखा जाता और इस वजह से जो भी वृद्धि दिखाई जाती है स्थिर मूल्य में, स्थिर भाव में, वो ज्यादा सुस्पष्ट होती है, ज्यादा स्पष्ट होती है, क्योंकि मुद्रा स्फीति की वजह से कीमतें नहीं बढ़ी हुई होती। लेकिन जब प्रचलित भाव की हम बात करते हैं तो इसमें जो जीडीपी का मौद्रिक मूल्य होता है ये क्या होता है, तो जो वर्ष में मूल्य प्रचलन में है उस मूल्य के आधार पर वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का आकलन किया जाता है, इसलिए प्रचलित भाव या करंट प्राइस कहा जाता है। तो जिस भी वर्ष में मूल्य प्रचलन में है अर्थात इन्फ्लेशन जैसे चीजों को आपने अलग नहीं किया है और इन्फ्लेशन इसके अंदर ही सम्मिलित है, इसलिए ये ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं शो करता। ठीक है, चलिए दोनों ही कथन सही है इस प्रश्न का और इस वजह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, केवल एक और दो दोनों ही सत्य कथन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या किसी देश की वृद्धि दर को दर्शाता है, या एक देश की आंतरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, यह परिणात्मक या फिर आप इसे मात्रात्मक भी कह सकते हैं कि यह मात्रात्मक दृष्टिकोण है। अब इसमें से पूछा गया है कि किसके बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो देखिए ये सारी बातें लिखी गई हैं जीडीपी के बारे में। क्लियर है? जीडीपी मैंने आपको क्या बताया, जीडीपी क्या है, तो एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लेते हैं ये भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे इस भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र का जो जीडीपी है 2019-20 में वह कितना है, तो 500 रुपए। 19-20 की बात कर रहे हैं, कितना है, 500 रुपए, अर्थात 500 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है 19-20 के वित्तीय वर्ष में।
अब बात यह आती है कि ये 500 रुपए के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्यों हुआ है, क्योंकि इन वस्तु और सेवाओं का मांग रहा होगा, बाजार में मांग था, इनका डिमांड था इन वस्तु और सेवाओं का, इसलिए इन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। पहला पॉइंट, अगर मांग ही नहीं होता तो इन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता क्या? नहीं, मांग था इसलिए उत्पादन हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ ये उत्पादन जो 500 रुपए का हुआ है, इसके पीछे उस देश के बाजार में मांग के साथ साथ में उस देश के बैंकों का भी रोल होगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी कौन देता है? तो बैंक देता है, तो बैंक अगर पूंजी देता नहीं तो क्या इस मौद्रिक मूल्य का उत्पादन होता क्या? नहीं, तो बैंकों का रोल भी है। साथ ही साथ बाजार में मांग और बैंकिंग सेक्टर के ब्याज दर के साथ साथ सरकार के उत्पाद मूलक नीति भी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि सरकार ही अगर उत्पादन नहीं करना चाह रही है तो कितना भी मांग हो या बैंक की दरें कैसी भी हो, बैंक कैसा भी काम कर रहा हो, तो फिर भी उत्पादन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन तीन इंपॉर्टेंट कारकों की वजह से, फैक्टर की वजह से किसी भी देश में GDP बनता है या फिर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। अगर मांग ज्यादा है, बैंक की ब्याज दरें कम है और सरकार की नीति काफी अच्छी है तो GDP काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर बाजार में मांग नहीं है, जैसा अभी चल रहा है कोविड की वजह से, सरकार भी परेशान है, बैंक भी दिक्कत में है, तो GDP अच्छा नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए, इन्हीं तीनों फैक्टर को क्या कहा जा रहा है? इस भौगोलिक क्षेत्र की आंतरिक स्थिति, यह देश की आंतरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर GDP बढ़ा तो आंतरिक स्थिति अच्छी है, अगर GDP डाउन हुआ तो आंतरिक स्थिति बुरी है। तो दूसरा कथन जो है वह किसके लिए ही है? वह GDP के लिए ही है। अब हम पहले कथन की बात करते हैं, यह किसी देश की वृद्धि दर को दर्शाता है। मान लेते हैं 2019-20 में हमने क्या देखा? 500 रुपए देखा GDP का। अब 2020-21 में GDP जो है वह 400 रुपए आ गया। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम है तो GDP क्या हो गया है? गिर गया है। कितना परसेंट गिरा है? अगर देखा जाए तो 20% GDP गिर गया है, -20%। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब तो जो पहली नजर में दिखता है वो ये दिखता है कि भाई जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, मात्रा की बात कर रहा हूं, जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 2019-20 में हुआ था उससे 100 रुपए कम के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 2020-21 में हुआ है। तो क्या सिर्फ ये अन्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में गिरावट को शो करता है? नहीं, GDP की इस नेगेटिव ग्रोथ रेट को देखकर आप पूरे अर्थव्यवस्था में नेगेटिविटी देख सकते हैं। कैसे? अगर वस्तु और सेवाओं का कम उत्पादन हुआ है, जाहिर सी बात है कम लोगों को नौकरियां मिली होगी या फिर नौकरियां गई होंगी, क्योंकि 500 रुपए के वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए जितने लोग चाहिए थे, 400 के वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कम लोग चाहिए, तो लोगों की नौकरियां गई होंगी। लोगों की नौकरियां अगर गई हैं तो आय कम होगी, उनकी बाजार में डिमांड कम होगा, क्योंकि लोगों की अगर नौकरी चली गई है तो बाजार में मांग नहीं होगा, मांग नहीं होगा तो फिर से उत्पादन नहीं होगा और इकोनॉमी गिरेगी। लोगों की आय नहीं है तो बैंक में पैसे कम जमा हुए होंगे, बैंक में पैसे कम जमा हुए होंगे तो आगे निवेश के लिए बैंक उधार नहीं दिया होगा, निवेश भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बाजार में डिमांड ही कम है, और जब मांग ही कम है तो कोई निवेश क्यों करेगा नुकसान झेलने के लिए। जब लोगों की नौकरियां नहीं हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, उनकी आय नहीं हो रही है, तो सरकार को टैक्स में पैसे कम मिलेंगे, सरकार को कर राजस्व कम मिलेगा, सरकार की आय क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन सरकार के खर्च बढ़े हुए हैं, क्योंकि सरकार को व्यवस्था करनी है। सामान्य तो खर्चे करने ही थे, लेकिन कोविड की वजह से खर्चे और बढ़ गए। आय कम है सरकार की, खर्चे ज्यादा हैं, तो सरकार के घाटे ज्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ ये अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है, नहीं शो करता, ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक या पूरी की पूरी इकोनॉमी गिर रही है, ये शो कर रहा है। तो यह पूरे देश की वृद्धि दर को दर्शाता है। GDP में वृद्धि दर पूरे देश की वृद्धि दर को दर्शाता है। अगर नेगेटिव है GDP ग्रोथ रेट तो पूरा देश नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसलिए जब प्रथम तिमाही में फर्स्ट क्वार्टर में 2020-21 पर -23.9% का
नेगेटिव ग्रोथ रेट हमने देखा था, इसलिए तो हम काफी चिंतित हो गए थे क्योंकि ये सिर्फ जीडीपी पर बात नहीं थी, ये पूरे देश में हर एक इकोनॉमिक पैरामीटर की नेगेटिविटी को शो कर रहा था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मात्रात्मक दृष्टिकोण है, जाहिर सी बात है कि मात्रात्मक होगा, सिर्फ मात्रा ही यहां पर शो किया जा रहा है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कौन उत्पादन कर रहा है इसकी बात नहीं की जा रही है। हो सकता है कि सारे विदेशी ही आकर यहां पर उत्पादन कर रहे हो और कमाने के बाद वो ले जाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटी नहीं क्वांटिटी दिखती है। तो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद इन तीनों ही कथनों को जस्टिफाई करता है। तो उपयोग कथन किसके संदर्भ में है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है या फिर जीडीपी के संदर्भ में है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डील करते हैं। अन्य टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करेंगे। और भी वीडियोस हैं एफटीआर सीरीज में इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड, तो उसमें भी हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।